हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि एरे में हम एवरेज कैलकुलेट करने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं कोड ब्लॉक्स को ओपन कर लूंगा। ये प्रोग्राम मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन वो टर्बो आईडी पर थी, यहां पर कोड ब्लॉक पे है। तरीका सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर अब हम सबसे पहले हेडर फाइल बना लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio हैश इंक्लूड conio.h, और यहां पर हम बनाएंगे int main फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन हम बनाएंगे, तो यहां मैं लिखता हूं int main, और यहां पर मैं क्या करता हूं, वेरिएबल्स बनाऊंगा। int टाइप का हमने डेटा टाइप ले लिया a, हम यहां पे 5 साइज रख लेते हैं एरे की। तो a5 कर दिया हमने, यानी a वेरिएबल का नाम है और 5 इसकी साइज है। आप जानते हैं कि एरे की इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो a0 a1 a2 यानी कि 6 यहां पे ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। अब एक वेरिएबल i लूप चलाने के लिए और एक वेरिएबल सम नाम का हम बना रहे हैं, जिसमें हम शुरू में 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, ओके। अब हमें क्या करना है यहां पे आगे, यहां पे हम अब printf लगाएंगे। printf लगा करके हम क्या करेंगे, printf लगाएंगे तो क्या होगा कि यूजर को क्या मैसेज दिखेगा स्क्रीन पे, वो हम printf में देंगे, ठीक है। इससे भी पहले एक काम और करेंगे, एक abg नाम का हम बनाएंगे वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एवरेज कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर ही हो, वो पॉइंट में भी आ सकता है। दैट्स व्हाई यहां पे फ्लोट टाइप का abg नाम का एक वेरिएबल हमने बना लिया। अब यहां पे लिखता हूं printf, ठीक है, और यहां लिखूंगा एंटर 5 नंबर्स, ओके। अब यहां पर एक लूप और लगाएंगे, ताकि जब हम यूजर से इंटर कराएंगे वो नंबर लूप जो है 5 तक 5 वैल्यूज वो अलाउ करेगा इंटर करने के लिए। तो अब यहां पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन और इक्वल टू कहां तक चलेगा, ये 4 तक चलेगा, ठीक है। i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करवा दिया हमने। इंक्रीमेंट करवाने के बाद नीचे आएंगे, तो यहां पर अब एक हम स्कैनफ देंगे, क्योंकि हमें यूजर से इंटर करवाना है। दैट्स व्हाई यहां पे स्कैनफ लगाएंगे। स्कैनअप लगाया हमने परसेंट डी और एड्रेस ऑफ ए आई कर देता हूं मैं, ए आई, ओके। यहां पर फॉर लूप लगाना है, ठीक है। आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करेंगे, सेम वही चीज, आई इज लेस देन और इक्वल टू 4 तक चलाएंगे, और आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट हो जाएगी आई की वैल्यू। अब यहां पर जो सम नाम का हमने वेरिएबल बनाया है उसका यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस एआई कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला स्टेप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। और अब हम क्या करेंगे, ये लूप चलने से क्या होगा, पहले सम में इनिशियलाइज था 0, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये लूप चलेगा तो ये बढ़ती जाएगी, नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आई की वैल्यू बढ़ेगी, और यहां सम में पहले 0 इनिशियलाइज था, और जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी तो 0 पहले था, ठीक है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा, जैसे लूप चलेगा ये भी बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम abg नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका फाइनलाइजेशन करेंगे, यानी कि उसको फाइनल कर देते हैं, सम अपॉन कितने हमें लेने हैं 5, तो 5.0 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यहां पे इसको टर्मिनेट करेंगे। अब यहां पे इसी को प्रिंट करवा देता हूं मैं, प्रिंट f, ठीक है, f लगाएंगे, परसेंट f इज एवरेज, और यहां पर abg की वैल्यू, ठीक है। और यहां पे रिटर्न 0, इसके बाद इसको सेव करने की बारी, तो इसको सेव कर लेते हैं। ab.c के नाम से मैं इसको सेव करता हूं। अब इसको रन करवाने की बारी, तो सबसे पहले कंपाइल करवाते हैं, देखते हैं हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं। तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, अब इसको रन करवाते हैं। यहां पे कह रहा है एंटर 5 नंबर्स, तो चलिए 5 नंबर एंटर करते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पे देख सकते हैं 2.8 इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए फिर से इसको एक बार रन करवाते हैं, कंपाइल करवा दिया हमने, अब इसको रन करवाना है, तो यहां पे क्लिक करके इसको रन भी करवा सकते हैं हम, अल्ट
कंट्रोल के साथ F10 भी दबाते तो भी ये रन हो जाता। चलिए रिजल्ट 4 5 6 5 3 2 तो यहां पे देख सकते हैं 4 एवरेज आ रहा है, यानी अगर इन सबको मैं ऐड करूं, इसको तो हम जबान से ऐड कर सकते हैं, मुंह से ऐड कर सकते हैं, 3 2 5 5 10 6 16 16 4 20 यानी कितनी संख्याएं हैं, पांच संख्याएं हैं और ये टोटल इनका है 20। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे 4 एवरेज आ रहा है, आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ ये प्रोग्राम हमने बना लिया। एक बार और इसको हम चाहे तो रन कर ab.c इंटरफेस किया और यहां से इसको रन करवा दिया। तो यहां पे अब 5 नंबर एंटर करने हैं, 3 4 7 5 9। तो यहां पे देख सकते हैं 5.6 इसका एवरेज आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये एवरेज वाला प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर